परसेंट ऐसा लोग रहते हैं ना। उसके बाद भी आप देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है गलत है ना। और ये टेस्ट मैंने कब बोला था? दो हफ्ते पहले मैंने टेस्ट बोला था। मैं बताता हूँ कब बोला था टेस्ट मैंने। फ्राइडे, इसलिए फ्राइडे को बोला था मैंने, 2 वीक पहले, 24 सितंबर के आसपास। तो काफ़ी टाइम दिया गया, ऐसा नहीं टेस्ट लिए टाइम दिया मैंने, और फिर भी उसके बाद क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है। एटलीस्ट घर पे थोड़ा तो पढ़ना चाहिए। आप लोग 11th में आ गए हैं, 10th में नहीं हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 पेपर का और एग्जांपल है, ये लैसल ओरा का 6 है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये पेपर में भी आएगा। आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वी हैव इक्विलेटरल ट्रायंगल। और मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्वेश्चंस कराए थे इन लोगों को एक दिन पहले, पर थोड़े अलग टाइप के थे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्वल मास रखा हुआ है कॉर्नर पे, ए बी सी, ए बी सी, सबके मास सेम है। मैंने बोला भी था कि अगर मास डिफरेंट होगा तो फिर कैलकुलेशन में डिफिकल्टीज आएंगी। सेंट्रॉयड है, ये सेंट्रॉयड हो गया जी, सेंट्रॉयड जी, थ्री इक्वल मास एम इच आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी एज शोन इन फिगर 8.10। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2m प्लेस एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अगर यहाँ पर मैं 2m मास रख दूँ तो कितना फोर्स लगेगा? यही ना, यही है इसका सोल्यूशन। देखोगे और क्वेश्चन कितना बेहतरीन है, इसमें सारा लॉजिक वैक्टर वैक्टर सब यूज हुआ है, इसमें जितना नॉलेज हो सकता है सब यूज हुआ है। एक चीज और, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, 60 60 360। देखो ये एंगल होता है 60 डिग्री पूरा, उसका छोटा सा एंगल कितना होगा 30 डिग्री, और ये पैरेलल लाइन बन रहा है, ये भी एंगल कितना होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड लाइन बन रहा ना। तो अब देखना थोड़ा ध्यान से कि फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए, तो वो होगा जी एम टू एम अपॉन ए जी का स्क्वायर, ए जी का स्क्वायर है ना, ए जी का स्क्वायर, ए जी का स्क्वायर। शायद क्वेश्चन में ये मैंने बताया है कि नहीं, नहीं बताया तो भी हो जाएगा। वेट अ मिनट, डायग्राम कहाँ है? ओहो, क्वेश्चन तब डिलीटेड, 3 नंबर उनको बोनस दिया जाएगा, डायग्राम ही नहीं दिया मैंने, माय बैड। एनीवे तो भी नहीं कर पाते थोड़ा अटेम्प्ट हो जाता। ये 1 और ये भी 1 है और ये भी 1 है।
ये हो जाएगा आपका जी टू एम स्क्वायर वन का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर है, वाई एक्सिस की तरफ, किसकी तरफ, तो वाई एक्सिस की तरफ मतलब जे कैप। डायग्राम नहीं दिया था इसलिए क्वेश्चन नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग अपने पेपर से डिलीट मारेंगे और माइनस मार्क्स किया जाएगा इसको, कोई बात नहीं। ओके, अब निकालेंगे फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी, बी की वजह से, है ना। तो अब इसमें थोड़ा तुम्हें देखना पड़ेगा, इसमें जो वेक्टर जा रहा है वो इंक्लाइन जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ये इंक्लाइन बना रहा है, कुछ एंगल बनाएगा। मतलब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं मैं इस लाइन को ऐसे, तो ये आपका 30 डिग्री के साथ कुछ एंगल बना रहा है, और कितना बना रहा है एंगल देखना थोड़ा। एक ये जो कंपोनेंट है ना ये वेक्टर का, ये वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। जी बी वैक्टर जो है ना उसके दो कंपोनेंट आएंगे, इस तरफ आएगा आपका जी बी वैक्टर का जी बी कॉस 30, है ना, इधर आएगा आपका जी बी साइन 30। अब जी बी की वैल्यू है 1, क्या है 1, जी बी की वैल्यू क्या है 1, तो जब इसको तुम लिखोगे ना, अच्छा दूसरी बात ये दोनों निगेटिव में आ रहा है, किसमें आ रहा है, नेगेटिव में, किसमें, नेगेटिव में। तो जो जीबी वेक्टर है, जीबी वेक्टर है वो लिखा जाएगा आपका माइनस कॉस 30 आई कैप, फिर प्लस लिखेंगे, लेकिन ऑलरेडी माइनस भी है साइन में, तो माइनस होगा माइनस साइन 30 जे कैप, क्योंकि ये है माइनस आई कैप है, क्या है, और ये माइनस जे कैप, इस वजह से माइनस साइन आ गया। तो हमने कहा था किसी भी वेक्टर को अगर डायरेक्शन देना है तो हमको उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही यूनिट वेक्टर हमने मल्टीप्लाई किया है पहले वाले में, इसमें भी यूनिट वेक्टर्स करेंगे, तो ये हो जाएगा जी बी वाले के में जी एम टू एम जी बी का स्क्वायर, जी बी का इंटू इसका यूनिट वेक्टर, इंटू यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो पूरी वैल्यू। ये क्या है बताऊं मैं, ये जी बी कैप है, क्या है, जी बी कैप है, तो हो जाएगा जी टू एम स्क्वायर, और इसका तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, जी बी तो 1 ही है ना, और ये पूरा आएगा आपका माइनस आई कैप कॉस 30 माइनस जे कैप साइन 30। पक्की बात, सिमिलरली सेम लॉजिक के साथ आप इधर देखो, ये जो बीजी वेक्टर है, कौन सा बीजी वेक्टर, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर जाएगा ग्रीन, है ना, और एक इसके साथ जाएगा ग्रीन, ये जाएगा आपका आई बी सी की वैल्यू 1 है ना, 1 कॉस 30, ग्रीन का नीचे वाला जो जाएगा ग्रीन के लिए वो जाएगा माइनस जे साइन 30 यूनिट वेक्टर। नाउ एफ बी सी लिखूंगा मैं जी एम टू एम बी सी का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर इंटू, और उधर यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कॉस 30 माइनस जे साइन 30, बोलो हाँ है ना। अब गुरु जी एक बात बताऊं, वैसे तो इसका एक शॉर्टकट है, इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट दिखाना है, टोटल जो फोर्स लगेगा जी पे वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना, तो टोटल फोर्स ऑन जी, टोटल फोर्स ऑन जी एफ नेट, ये लगेगा फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी, ये वाला पूरा
ये जी सी है, ठीक है, गड़बड़ लिख दी मैंने, तीनों, तो तीनों की जब तुम वैल्यू रखोगे और सॉल्व करोगे तो जीरो आएगा, क्या आएगा? और इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट वेक्टर का, कि अगर किसी पॉइंट पे इस तरह से वेक्टर लग रहा है और ये एंगल और ये एंगल बराबर है, लेमी थ्योरम एक्चुअली ये एंगल बराबर है, तो सर मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, और ये 360 का कितना आधा हो जाएगा, कितना होता है 360 को 3 से डिवाइड करो, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा, ये भी 120, तो एक्चुअली ये एक क्लोज ट्राइंगल बनाता है, क्या बनाता है, क्लोज ट्राइंगल बनाता है, हाँ जी क्लोज ट्राइंगल बनाता है, इसका सम क्या होता है, मतलब इनके वेक्टर एडिशन होते हैं जीरो, क्या होते हैं जीरो। अब इसी बात को आ जाओ, इसी बात को यहां पर सॉल्व किया गया है, बैठो बैठो, क्वेश्चन नंबर 13 जो था बेटा वो इनकम्प्लीट था, उसमें डायग्राम नहीं दिया था मैंने, तो टोटल फोर्स ऑन जी क्या आएगा, जीरो, वेक्टर में था, तो ये क्या हुआ, तो क्या हो गया, अब पूरे फिजिक्स में यूज होगा, बताना होता है ना फिर, बताना नहीं होता, मैंने ये कहा था कि नहीं नहीं मैंने ये कहा था कि टिल जितना भी हमने जहां तक कवर किया वहां तक के सारे इंटेस्ट आपको करके आने हैं, ये कहा था ना, ये बात वॉइस नोट में है ना, हमने कवर किया, हाँ हमने डेप्थ कवर कर लिया, शायद सारे गलत है, सबका आंसर अभी डिस्कस कर रहा हूँ मैं, हाँ 5:30 के पहले आ जाना, तुम क्या आओगे, पेपर अपलोड कर दिया उसी को करके मुझे दे देना, ठीक है, जगह बनाओ भाई, बैठ दो यहीं, कहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये है क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 8.7 एसएल अरोरा, एग्जांपल नंबर 6, और पेपर का क्वेश्चन नंबर था 13, पेपर तुम घर से करके मुझे पीडीएफ बना के दे देना, इतना ही मंत्र था, तुम हो ईमानदार, तो तुम खुद से हो, रहना पड़ेगा तुम्हें खुद से ईमानदार, क्योंकि नंबर नहीं आ रहे, ईमानदारी कूट कूट के भरी होनी चाहिए, इनके भी मार्क्स आ गए, सो बिग क्लैप, ये नहीं पूछना है, उससे पहले स्टोरी बनानी है, उससे पहले स्टोरी ये बनानी है, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ मार्क्स बताने से पहले कहानी, इनके क्लास में 30 बच्चे थे, 18 बच्चे फेल हो गए, ठीक है, और हाईएस्ट 54 है, 54 है, ठीक है, 54 है, तुमसे एक नंबर कम है, 34. नहीं फिर तो 3 नंबर कम है, 31 के आसपास है, उसके आसपास वही है, वही है तुम्हारे, लेकिन न्यूज़ तो आया है तुम्हारे, अभी भव्य आई थी बता रहे थे कि साइंस में पूरी क्लास फेल है, भव्य आई थी ना, हाँ कह रही कि पूरी क्लास फेल है सलमान में, साइंस से सारी फेल है, फेल ही चल रहा है, उसके दोस्त बहुत है ना, उसके साइंस के बड़े दोस्त हैं, तो ऐसा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी सेंट्रॉयड पे, एक्चुअली वेक्टर कॉन्सेप्ट है, किसी भी सेंटर पे अगर ऐसे 3 वेक्टर हैं, ठीक है, ये 120 डिग्री बना रहे हैं, ये 120 डिग्री बना रहे हैं, और ये भी 120 डिग्री है, तो इनका जो सम होता है, आपस में मान लो वेक्टर ए है, बी है, सी है, नहीं 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 इसमें ना वो उसको कहते हैं साइक्लिक वेक्टर बोलते हैं, कि ये वेक्टर ए है, तीन आ रहा तुम्हारे में ना, क्या? तीन चैप्टर नहीं आ रहा, दो ही आ रहा, किसने कह दिया? अच्छा ठीक है, मैं नहीं नहीं मेरे को लगा ऐसा 3 आएगा, तो इनका जो सम होता है दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, ये जीरो, क्योंकि साइक्लिक बना देता है ये, वेक्टर एडिशन में कैसे होता था कि ऐसे ए रखा हमने, ये बी रखा, ये होता था इनका रिजल्टेंट, अपोजिट डायरेक्शन में जाता था, जब आप घुमा कर लगा दोगे तो देखो पहले रिजल्टेंट था सी, थोड़ा दिमाग से लगाना, उसको आपने घुमा दिया तो माइनस हो गया सी रिजल्टेंट, तो इनका एडिशन क्या हो जाता है जीरो। अब इस इतनी सी बात को इस क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन पेपर में आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा जैसे है ये क्वेश्चन नंबर 13 पर, ये पूरा शो करना पड़ेगा, ऐसा लोड़ा ओपन करो ना, पेज नंबर 8.7 में जाओ, हाँ क्या कह रही थी, ग्रेविटेशन के जहां तक पढ़ा देंगे वहां तक ना, रोटेशन करा देंगे नवंबर में है ना, हाँ हो जाएगा रोटेशन, ग्रेविटेशन करा ले, अच्छा आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट, इससे जाना होता है हमें रोटेशन पर सेकंड में,
तो 60 से डिवाइड कर देते हैं और ये होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। हाँ, 1/T। तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π फ्रीक्वेंसी, 2π फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला लगाना होता है। कोई नहीं, अब ऐसे और टेस्ट होंगे तो आइडिया लगेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसमें चीज इसी में से था बेटा, ये बुक से दिया हूँ, सारा क्वेश्चन मैं भी टैली करा दूंगा। तो डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल। अच्छा चलो सुनो, इसका बी पार्ट कह रहा, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट अ वर्टेक्स ए इज डबल। अरे बच्चे घबराते नहीं है, सुनो सेकंड पार्ट में क्या बोला। सुनो सेकंड पार्ट में बेटा डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल पढ़ते चलो, समय का बहुत अभाव है। अभी जब तुम्हारा फाइनल पेपर आएगा ना, उसमें चैप्टर ज्यादा रहेंगे, समय बहुत कम। यहां पर पहले मास m था, अब है 2m, अब है 2m। क्वेश्चन ये और ये पेपर का 13 क्वेश्चन था। हाँ, फिगर नहीं बनाया था मैंने, इसलिए डिलीट इट है उसको। एम सी, तो देखना सर एक बात, मेरी बात, जितने भी ये सेंट्रॉयड है जिस पे रखा है 2m, हमने ना निकाला था फोर्स ऑन g ड्यू टू a निकाला था, फोर्स ऑन g ड्यू टू b निकाला था, फोर्स ऑन g ड्यू टू c निकाला था। ये दोनों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके मास को चेंज नहीं किया हमने, हम चेंज कर रहे हैं इसको। हमने क्या निकाला मैं बताता हूँ, पहले जब m मास था तो फोर्स ऑन g ड्यू टू a निकाला हमने, g m 2m, 2m मास था g के ऊपर, अपॉन ag का स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में है ये, y डायरेक्शन में है, तो i कैप, ये 2m है ठीक है, और ये 1 1 1 है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, नाउ जे कैप, जे कैप आई जे के, नाउ अब जी जो ए पे मास है वो भी 2m है, ये भी 2m है, अपॉन ए जी का स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जी 4m स्क्वायर, नीचे 1 हो जाएगा जे कैप, ये इसकी वैल्यू 1 है, ए जी की वैल्यू 1। अब कह रहा फिर से निकालो एफ नेट कितना होगा, तो इस बार एफ नेट 0 नहीं होगा, क्यों? देखो सर कहाँ चला गया, ये रहा, ये है आपका फोर्स एट जी ड्यू टू बी, दिख नहीं रहा इसको, मैं कैसे करूं अलग से लिखूं, देखो फोर्स एट जी ड्यू टू बी की जो वैल्यू आई है वो है जी 2m स्क्वायर i माइनस i कैप cos 30 माइनस j कैप sin 30। ये तुम लोग को समझ नहीं है, लेट आया, मैं फिर से बताऊं क्या कैसे आया था ये पूरा, चलो बताते हैं। देखो पहले लिख देता हूं फिर मैं बताता हूं कि कैसे आया ये, और फोर्स ऑन g ड्यू टू c की वैल्यू आई है g 2m स्क्वायर I cos 30 माइनस j sin 30। फिर ले जाके ऐड करेंगे। अब मैं बताता हूँ ये आया कहाँ से है, फिर से बताता हूँ ठीक है। देखो कहानी कुछ ऐसी थी, अच्छा क्वेश्चन है ये इसलिए समझ लो, एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और उसके यहाँ पे m मास रखा हुआ है, b पे भी m मास रखा हुआ है, और c पे भी m मास रखा हुआ है ठीक है। इनके सेंट्रॉयड पे, एक सेंट्रॉयड जी पे 2m का मास रखा हुआ है, सेंट्रॉयड बना लेते हैं, सेंट्रॉयड सेंट्रॉयड सेंट्रॉयड, यह है सेंट्रॉयड, यहां पे जो मास रखा गया है वो 2m रखा गया है। आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स एट जी, फोर्स एट जी ड्यू टू ए बी सी, ये निकालना है। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा फोर्स एट जी ड्यू टू ए प्लस फोर्स एट जी ड्यू टू बी प्लस फोर्स एट जी ड्यू टू सी, सुपरपोजिशन
प्रिंसिपल, सो पोजिशन प्रिंसिपल। एक चीज और देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, प्लस ये नेगेटिव, ये है एक्स एक्सिस प्लस ये वाई एक्सिस, और ये माइनस एक्स एक्सिस। इस तरफ क्या आता है आई कैप, इधर क्या आएगा जे कैप माइनस आई कैप, और अगर इधर आएगा तो माइनस जे कैप। अब बहुत आराम से आपको देखना है, क्या क्या देखना, ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री, सेंट्रोइड एंगल बायसेक्टर होता है, सेंट्रोइड क्या होता है एंगल बायसेक्टर, तो ये 30 डिग्री होगा, तो क्या ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। अब देखना जीसी एक वेक्टर है, जीसी एक वेक्टर है, क्योंकि फोर्स जो लगेगा वो वेक्टर क्वांटिटी अपनी तरफ खींच रहा है, जो फोर्स लगेगा ना एफ फोर्स ऑन सी डी टू सी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जो कि सरेशन सी की तरफ होगा। अब ध्यान देखो, एक एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ, बना रहा है ना, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर जाएगा, थोड़ा मैं ऊपर बनाऊं थोड़ा देखने में आसानी हो, और एक इधर आएगा। इधर जब जाएगा तो इसका होगा आई कैप कॉस 30। ऐसा नहीं कि यहां पर जीसी नहीं आएगा, जीसी भी आएगा, बट जीसी की वैल्यू कितनी है 1। तो एक्चुअल में ऐसे है जीसी कॉस 30 आई कैप ऐसे है, बट जीसी की वैल्यू क्या है 1। साथ ही साथ एक वेक्टर ये भी है जो नीचे की तरफ जा रहा है, बट माइनस में जा रहा है, तो माइनस जीसी साइन 30 जे कैप, तो जीसी की वैल्यू क्या है 1 हो जाए, क्या हो जाएगी 1। जब आप इसको लिखो, हाँ अच्छा एक बात और बताई थी मैंने, चलो उस पर लिख लेते हैं। पहले हम लिख रहे हैं फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी लिख रहा हूं मैं, पहले फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी लिखूंगा मैं, जी मास एट सी मास एट जी, इनके बीच का डिस्टेंस जी सी स्क्वायर। अब डायरेक्शन देने के लिए यहां पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं, यूनिट वेक्टर वो पूरी वैल्यू होगी नेट वेक्टर, तो अब होगा ये जी 2m स्क्वायर और यहां पर 1 हो जाएगा, इनटू पूरी वैल्यू है आपकी cos 30 i कैप माइनस sin 30 j कैप, ये पूरा मल्टीप्लाई, ये पूरा वैल्यू है वेक्टर का इन कार्टेशियन फॉर्म, इन ये लिखना पड़ेगा, ये यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली अब ये वेक्टर बन गया, क्योंकि सुपरपोजिशन तभी काम करेगा जब क्वांटिटी वेक्टर होगी, वेक्टर नहीं होगी तो सुपरपोजिशन काम, तुमने एरो नहीं लगाया किसी क्वेश्चन में, ध्यान देना। हाँ नाउ अब ये वाला काम हो गया, अब हम करते हैं इसके पे जीबी वाला लेके चलते हैं, अब समझना है यहाँ पे फिर से कलर चेंज, ये है आपका जीबी वेक्टर, ये भी 30 डिग्री एंगल बनाएगा, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक। इधर क्या क्या कंपोनेंट होगा देखना, इधर होगा माइनस आई कैप कॉस 30 डिग्री, और ये नीचे होगा एक माइनस जे कैप साइन 30 डिग्री, इन दोनों का एडिशन ही तो होगा, ये वाला इन दोनों का एडिशन होगा, तो ये जो वेक्टर है इसका आप क्या लिखा जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगी देखना, यहां पे लिखता हूं मैं फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी, जी 2m स्क्वायर हो जाएगा, ये तो m और 2m लेके वही हो जाएगा, और नीचे 1 आएगा, यहां पर यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा माइनस cos 30 माइनस j साइन 30, वैल्यू अभी थोड़ी देर बाद आप रखोगे, पक्की बात। अब आते हैं फोर्स ऑन g ड्यू टू a, ये हो जाएगा g 2m स्क्वायर अपॉन 1, और उधर कोई भी वेक्टर रिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि कोई एंगल नहीं बना रहा, इंक्लाइन नहीं है, केवल आई कैप है, जे कैप है, केवल पॉजिटिव जे कैप, तो केवल पॉजिटिव जे कैप। अब इन तीनों को आपको क्या करना होगा, ऐड, क्या करना होगा ऐड,
तो जब आप इन तीनों को ऐड करके सॉल्व करोगे तो ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो फोर्स एट जी ड्यू टू ए बी सी, ड्यू टू ए बी सी, तो हो जाएगा एफ जी ए प्लस एफ जी बी प्लस एफ जी सी। जब सब कुछ रखोगे और सॉल्व करोगे तो जीरो आ जाएगा, और ये याद भी रखना है आपको एज अ रिजल्ट भी। इसको साइक्लिक वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइक्लिक वेक्टर बोलते हैं। अब सेकंड पार्ट में इसने ये बोला है कि सब कुछ ऐसे ही है, ये वाला पार्ट जो है ना, ए वाला पार्ट, ए वाला जो पार्ट है इसके साथ चेंज होगा क्या? अब मास की जगह पर जहां पर एम मास था वहां पर टू एम मास हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा? फोर्स जी ए जी फोर एम स्क्वायर अपॉन वन आई कैप। अब जीरो नहीं होगा, अब नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब कुछ वैल्यू आएगी, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके वो वैल्यू आई है, बड़ी लंबी सी वैल्यू आई है, ये आई है टू कैपिटल जी एम स्क्वायर जे कैप। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं देना चाह रहा था, आपकी किस्मत अच्छी थी कि मैंने वो नहीं लगाया, इसमें ये डायग्राम ही नहीं अटैच किया, तो वो क्वेश्चन डिलीट हो गया। बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और दिया था, क्योंकि मेरे को विश्वास है ना कि तुम लोग फ्यूचर आईआईटीएन हो। अरे किसी का कुछ पता नहीं होता है, जो कहता है हमें जेई नहीं देना तो उसको पता नहीं कब जेई देना पड़ जाए। तुम्हें क्या करना है पहले बताओ? बीएससी? तुम्हें तो राइटिंग करनी है ना, राइटिंग राइटिंग करनी है। स्टार्टिंग बताया था तुम्हें। देखो जिसको बीएससी करनी है, बीएससी देखो, सुनो सुनो, बीएससी जिसको करनी है दैट इज बैचलर ऑफ साइंस, ये आप डीयू से कर लो, डीयू के बेस्ट कॉलेजेस हैं बहुत सारे, और बीएससी भारत में कहीं से अगर सबसे अच्छा होता है तो वो डीयू से होता है, दी बेस्ट। मतलब ये समझो कि यहाँ से पैकेज लगता है बढ़िया बढ़िया 15 से लेकर 20 लाख का, और कहीं भी पैकेज लगता है भारत के किसी भी कोने से अगर आप बीएससी करते हो 5 रुपये की नौकरी नहीं लगेगी, बट डीयू से करोगे तो लग जाएगी। अब बीएससी करने के बाद एक एग्ज़ाम होता है जहाँ आईआईटी जैम, ठीक है, इसको दे के आप आईआईटी से कर लो एमएससी, आप रिसर्च में जा सकते हो और आपका जॉब आराम से 20 से 30 लाख का लग जाएगा पर ईयर एज अ फ्रेशर। उसके बाद कितना बढ़ेगा तो आपकी फ्यूचर है ना। आप फिर एमएससी के बाद आईआईटी से ही जैम के थ्रू एक और पेपर होता है, एमएससी प्लस पीएचडी होता है, मतलब ये 3 साल का हो गया, नहीं 2 साल का हो गया, 5 साल का पीएचडी होता है, 7 साल, तो ये कम करके साथ 5 साल में हो जाता है इंटीग्रेटेड, उसको पीएचडी बोलते हैं कि 5 साल में हो जाएगा दोनों कोर्स इंटीग्रेटेड बोलते हैं इसको। केवल पीएचडी करना चाहते हो तो एमएससी के बाद पीएचडी करो, तो आईआईटी में जाने के 3 पड़ाव है। अच्छा मान लो तुमने एमएससी किया कहीं और से फिर भी आईआईटी में जाना है तो एक और एग्जाम होता है जेएटीई गेट, गेट दे के वापस आप फिर आईआईटी में जा सकते हो पीएचडी करने। तो आईआईटी में जाने के 3 रास्ते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी, 3 बार आप आईआईटी में जा सकते हो अगर आईआईटी का ठप्पा चाहिए कि आईआईटी ही जाना है तो। अब तो बहुत सारे और भी आगे तरीके, बट वो उतना एस्टिमेट नहीं है। तुम्हें पायलट बनना है? 2 करोड़ रुपए लगेंगे, घर बेचवाओगी मम्मी का? मेरी जमीन बेचवाओगी? सस्ता बताता हूँ तुम्हें पायलट बनने का, आर्मी के थ्रू। हाँ आर्मी के थ्रू जाओ, उसके लिए तो फिर आपको शायद यूपीएससी का एग्जाम होता है एक। कौन जा रहा है? तुम नहीं। उसके थ्रू पायलट सस्ता है ना, बाद में छोड़ देना। हाँ वहाँ से पायलट बन जाए ना, लेकिन फिर दिक्कत होगी, कमर्शियल पायलट बनने के लिए फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा। पायलट बाहर से बन सकते हो, बाहर से कर सकते हो, बाहर से थोड़ा सा शायद आजकल सही चल रहा है अभी। हाँ एक लड़का अभी देखो बताएगा, वो करेगा तो मैं बताऊँगा, रमेश नगर में जो। मेरा तो वो था ना आईएएस वाला, नॉर्मल जो होता है आईएएस के। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कराती है, जिसमें से सिविल सर्विस का एग्ज़ाम अलग, उसका नाम होता है यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें आपका आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईआरएस होता है, आईटीएस होता है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने सबसे बेहतरीन दिया था जो किसी से नहीं होता, मुझे पता था। क्वेश्चन 20th। हाँ ठीक है,
अभी देखना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार पढ़ो। आप नहीं, आप स्लो कैसे होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं समझाता हूँ। ये है पेज नंबर 8.60 एनसीईआरटी गाइडलाइन, खत्म हो जाएगा पूरा पीछे जो। हाँ हाँ बोलो ना। अरे अभी देखना, तुम लोग खुद करोगे। 60 जाना। जीरो यहाँ पे देखना, रॉकेट करके लिखा हुआ है, रॉकेट यही तो है, ये है ना 19। और रॉकेट इसी में पेज पे होगा, ये है ना, ये 5 है, आपने 2 दे रखी। नहीं सेम सेम है, क्वेश्चन में लाओ ना, सेम क्वेश्चन है, देखता हूँ मैं, कट गया होगा यार। देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मास एट स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। इसमें इसमें 5 है, आप में मेरे वाले में 2 है, तो सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। 2 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, इफ 20% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू द मैरिटाइम एटमोस्फेरिक रेजिस्टेंस, हाउ फार विल द रॉकेट गो फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मास बिफोर रिटर्निंग टू इट मास। ये है क्वेश्चन, मैं इसको इसमें क्या क्या यूज करना है, इसमें एक तो काइनेटिक एनर्जी यूज करना है बेटा, खोजना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन नंबर देखो एक बार, लाओ मैं खोजता हूँ। सो न्यू एसएल अरोरा में ये रहा। हाँ हाँ, तो बस ये यहाँ पे 2, जहाँ 5 है ना वहाँ पे 2 करना है, सेम क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। A rocket is fired vertically with speed from the earth. How far the rocket go before returning? हाँ, same question है। तो पेज नंबर है 59, 8.59। तो क्वेश्चन नंबर है 8.17। तो जहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है वहाँ पे क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकंड दिया, क्योंकि मेरी एडिशन में 2 मीटर पर सेकंड है। हाँ, इसको चेंज करेंगे, इसमें भी किलोमीटर पर सेकंड है, सेम, बस वैल्यू चेंज करना। तो 8.17 है क्वेश्चन नंबर 8. एक बार पढ़ो उसको, क्वेश्चन नंबर न्यू एडिशन में है 8.17 और पेपर का क्वेश्चन था 20th। पढ़ते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो पूरा अच्छे से पढ़ो। इसमें क्या क्या लगा है, काइनेटिक एनर्जी लगा है इसमें, अच्छा इसलिए नहीं कर पाओगे तुम लोग क्योंकि इसमें एक चीज और लगा है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट लगा है ना इसमें। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही भारी क्वेश्चन बन गया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टॉपिक है, टॉपिक नंबर है 8.20। तो एक्चुअली वो पढ़ाया नहीं मैंने, उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है। बाकी और भी देख लेते हैं, कैपलर करा देंगे उसमें, तो एक स्टेटमेंट है बस, वो यूनिवर्सल बता रहा हूँ कैपलर बता देता हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 16 है, ये देख लेते हैं, पेज नंबर 8.11 एग्जांपल नंबर 12 आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 16। एसएल अरोरा में है ये एग्जांपल नंबर 12, पेज नंबर है 8.11। हेलो, हाँ सच में नहीं जानता कौन प्रियांश। अरे यार ये इतना बदल गया है, बस नाम पता है। और कैसे हो बताओ सर, कैसे? बस ये मैंने 10th में पढ़ाया था, है ना, अशिता 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 अशिता।
दो हफ्ते का टाइम दिया गया, उसके बाद भी तुम क्या नंबर पाए हो है? लो 12 नंबर है, वो भी मैंने दे दिया है। तुमने स्टेप्स बहुत गंदे लिखे हैं, केवल डेरिवेशन सही किया है। आंसर कहाँ है, मैच किया है आंसर? देना 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 देना, ऐसे कर, पता नहीं यार, रुको देखता हूँ, अभी देखते देखते हैं। फोर बाई नाइन, हाँ तो फोर बाई नाइन, ये जी एम आ रहा है ना, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्वेश्चन है ना, तो जी एम तो जी एम कट जाएगा। मेरे बेटा ये ऐसे तो स्कूल में कट रहे थे नंबर, स्कूल में नंबर ऐसे तो कट रहे थे, स्कूल कॉपियां ऐसे नंबर काटे गए हैं। चलो 16 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 टेस्ट पेपर का, और इसका एग्जाम्पल नंबर 12 है। लिखा है अ बॉडी वेट 90 kg फोर्स, ये जो लिखा होता है ना, ये इसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल वेट, kg फोर्स। तो आपके यूनिट में एफ भी लिखना पड़ेगा, जिन किसी का नहीं था तो मैंने वो हाईलाइट किया है। 90 kg, 90 kg फोर्स दिया हुआ, ठीक है, ओके। कह रहा हाउ मच विल इट वेट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स हुज मास इज 1/9, मास इज 1/9, मास ऑन मून इज 1/9 ऑफ मास ऑन अर्थ, यही हो ना। एंड रेडियस इज 1/12, रेडियस ऑफ मून इज 1/2 ऑफ रेडियस ऑन अर्थ, यही है स्टेटमेंट, ऐसे ही है ना कुछ। सो जीई एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज ME अपॉन RE के स्क्वायर, जी एम इज जी एम अपॉन आर एम का स्क्वायर। अब आप डिवाइड कर दो जी एम अपॉन जी ई, तो क्या क्या कट जाएगा, ये कटेगा है ना। अब वो वैल्यू यहां पर रख दो ताकि कट के कुछ रेशियो बन जाए, एम के जगह पे रख दो या तो 1/9 या ऐसे रख लो, इसको ऐसे कर लो, एम ई इज इक्वल टू 9 टाइम्स मास ऑन मून एंड आर इज ट्वाइस ऑफ आर एम, है ना, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो एम ई की जगह आप रख दो 9, आर ई की जगह पे, आर ई की जगह पे रखेंगे हम लोग ये 2 ना, हाँ 2, तो 4 हो जाएगा आर एम स्क्वायर अपॉन नाइन एम एम, तो आर एम से आर एम कटेगा, ये से ये कटेगा, तो क्या आ जाएगा 4/9 जी एम अपॉन जी ई, तो जी एम इज इक्वल टू 4/9 जी ई। अब देखो शॉर्टकट की आदत पड़ गई लिखने की, तो पेपर में भी लिख के आते हो है ना, स्टेप्स नहीं लिखते हो, तो स्टेप्स तो लिखो। ये कितना हो जाएगा, किसमें किसमें नहीं मिला तुमको, पूरा लिखे है तुम, दिखाओ, एफ छोड़े हो गए एक तो, हाँ तो हाफ मार्क्स तो काटा है मैंने, ये एफ लिखने का, ये लिखा था मैंने, इसी का तो काटा है, 3 में से 2.5 दिया है मैंने, ठीक है। तो वेट चाहिए ना, तो वेट ऑन मून हो जाएगा आपका एम जी एम, है ना, मास, तो मास ऑन मून कितना था, 90 है ना, 90 kg एफ है ना, और जी एम हो जाएगा 4/9, एक सेकेंड वहां पे वैल्यू क्या था, 9 था ना केवल, नहीं 90 नहीं था, कितना था, 90, क्या हुआ,
देखो देखो देखो, वकील साहब आ गए, वकील साहब आ गए, वकील साहब आ गए, वकील साहब आ गए, है ना। 30 में 30 दे दूं मैं। सेंटर ऑफ मास से तुमने किया भी नहीं है क्वेश्चन, ग्रह रोटेशन का, रोटेशन का तो एक भी क्वेश्चन नहीं किया तुमने। अरे चलो, तो ये कितना आ रहा है, 9 ना, नहीं 10, हाँ तो 40 kg। सारा सही है ना, ठीक सारा सही है। चलो, तुमने तो टेस्ट भी नहीं दिया। इसके साइड तुमने लिखा, देखो कह रहा भी टेस्ट रख लो। इसके बाद जो था क्वेश्चन यहाँ से था, कहाँ गया? तो तुमने ये डेरिवेशन सुपर पोजिशन का क्यों नहीं किया? तुमने सुपर पोजिशन का डेरिवेशन इतना आसान था, ये रोटेशन कर गया इतना मुश्किल तो करें। अब ये रोटेशन की बड़ी वाली डेफिनेशन नहीं है आज के वाली, पूरी आती है मुझे। उस पर न्यूमेरिकल दे दिया था ना मैंने, न्यूमेरिकल नहीं है। और कहाँ से क्वेश्चन था? हाँ एक क्वेश्चन ये था, ये द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6000 किलोमीटर, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 120 kg बॉडी इफ टेकन टू हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। पेज है ये 814, क्वेश्चन नंबर 1 इन टेक्स्ट का है ये एग्जाम। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये पेपर में? द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6000 किलोमीटर, व्हाट विल बी द वेट, एक बार क्वेश्चन देख लो, पेपर ओपन करते हैं। तो है। नहीं है पेपर में रखा है, बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर है। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6000 किलोमीटर, ये है ना 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है। और एसएलओआर से पेज नंबर 814, पेज नंबर 814, क्वेश्चन नंबर 1 इन टेक्स्ट का है, लिखा था रेडियस ऑफ अर्थ इज 6000 किलोमीटर, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 120 kg बॉडी इफ इट इज टेकन एट हाइट ऑफ 2000 kg अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे ये अर्थ है, अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को अगर 2000 किलोमीटर ऊपर ले जाया गया तो उसका वेट अब कितना होगा, है ना, यही है ना, मास तो सेम रहेगा, वेट कितना होगा? तुम्हारा आंसर कितना आया? 81,000 देना, गलत आया है। गलत है, 67.5 है, 81 बिल्कुल नहीं सही है, और फॉर्मूला भी गलत है। जो लगेगा वो लग रहा है इसमें GH = R + H का होल स्क्वायर, नहीं कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छी बात है। फॉर्मूला मैंने कराया होगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं कराया, नहीं कराया, ये वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, ये रहा इसे बीच में आया, ये डेरिवेशन का ये वाला है ना, उसी के बीच का डेरिवेशन का पार्ट है, कैसे नहीं कराया ये ना, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड हाइट के, तो ये फाइनल रिजल्ट है, डाउट था ये, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। एम जी दिया है 120 kg F, तो क्या रखा जाए, जी एस एच आप करेंगे 6000, एक सेकेंड, ये जी कैसे है? नहीं वो तो रख देंगे हम, तो उसका इशू नहीं है, 6000 और ये आपका 8000 हो जाएगा। ये स्मॉल जी है वो यहां से बनेगा ना, एम जी
इंटू जी, ये सॉल्व का कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करके 3/4, तो 9/16g है ना, तो जी एच आएगा 9/16g। और आपको वेट चाहिए है ना, तो वेट चाहिए तो इधर भी m और इधर भी m, वेट होता है आपका mg, तो हो जाएगा mgh, ये वेट होता है, तो 9/16 mg और ये है 120, कितना 120। इसको सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 67.5 kg फोर्स। कुछ तो कुछ किया था, अधूरी ज्ञान, अधूरी ज्ञान, अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सही है, और क्या, कुछ लोग तो आए ही नहीं है ना, गुड, ये भी बात सही है। कुछ लोगों ने बोला था मंडे ले लो, तब से लिया नहीं क्या? अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन अ माइन एट द डेप्थ ऑफ 80 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज 64,000 किलोमीटर। डेप्थ वाला क्वेश्चन है ना, हाँ डेप्थ वाला क्वेश्चन, तो डेप्थ वाले का फॉर्मूला है जी डी इज इक्वल टू जी वन माइनस डी अपॉन आर, जी डी इज इक्वल टू जी वन माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चंस जितने भी हमने डेरिवेशंस किए हैं उनमें ना एक मास का डेरिवेशन भी है, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये थोड़ा तुम लोग देखना पड़ेगा, अभी बताता हूँ। पहले ये क्वेश्चन हो जाएगा ना, कौन सा था क्वेश्चन नंबर, ये 18th था, हाँ डेप्थ वाला हो गया था सबका। चलो अब बाकी क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे जिक्र, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं आगे। इसको फिर से लगाओ इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल इसी में से पेपर फिर बनेगा, ठीक है। अभी तो आपको ना देना, हाँ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या बताना था वैसे मेरे को, हाँ देखो सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जो फार्मूला था आइडियल वो था जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अगर हम मास ऑफ अर्थ की बात करें तो मास ऑफ अर्थ, और मास क्या होता है, क्या होता है मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर हम एज्यूम करें कि अर्थ जो स्फेरिकल है, क्या है, तो वॉल्यूम कितना होता है स्फेयर का, 4/3 πr³, और डेंसिटी रो ले लेते हैं, है ना, यही है ना पक्का, हाँ ठीक है यही है। तो g का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, जहाँ जहाँ पे कैपिटल m है वहाँ पे रख देंगे, चाहे किसी भी फॉर्मूले में, 4/3 πr³ रो अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर से कटेगा, ये तो आपका होगा जी 4/3, नहीं ये नहीं करा है, मास का नहीं फॉर्मूला बनाया, 4/3 πgr ρ, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा किसका, जी का। यहाँ से डेंसिटी का फॉर्मूला बना है, एक बार मिलाना सही है कि नहीं है, 3g/4πGr, सही है ना, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी का भी फॉर्मूला बनाया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 8 अब देखो, तो उसमें है डेंसिटी का क्वेश्चन, और एग्जाम्पल नंबर 7 एनसीईआरटी का, वेट ऑफ अर्थ दिया, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7, आपको कुछ डेटा दिया है, क्या क्या दिया है, स्मॉल जी की वैल्यू दी है 9.81 m/s², रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन 6.37 × 10⁶ m, एंड डिस्टेंस इज 3.84 × 10⁸ m।
बताते हैं, सन वाला क्वेश्चन इसी में से होगा, देखो क्या था क्वेश्चन, अब देख लेता हूँ मैं। क्या था उसमें? अब देखता हूँ। एक ही वो होता है कि D माइनस R लेना पड़ेगा। 20th बताना पड़ेगा, उसके लिए एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, एक टॉपिक रह गया उसमें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका नंबर बढ़ा रहा है ये, ठीक है 15 हो गए। हाँ पहले इसको देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, एंड द डिस्टेंस टू द मून, ये डिस्टेंस बिटवीन मून का है, अर्थ एंड मून का है, बिटवीन अर्थ एंड मून, एंड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 27.3 डेज, ऑब्टेन द मास ऑफ अर्थ इन टू डिफरेंट वे, मिला एग्जांपल 7 पढ़ो सब लोग, तुम्हें मिला पढ़ो प्लस, हाँ कैपलर का मुझे बताना ही पड़ेगा लग रहा है, पता हूँ कैपलर, चलो बता ही देते हैं, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, बिना कैपलर के नहीं होगा ये, कैपलर लॉ ऑफ पीरियड का दिया है 4π² r³/gt² है ना, दो लॉ है, एक तो है कि इक्वल टाइम में, एक तीन है, एक है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा है ना, टाइम पीरियड का एक है, कैपलर साहब कहाँ गए, आगे है, जियो स्टेशनरी आ गया, टोटल एनर्जी ये है ना लास्ट में, डेरिवेशन ऑफ कैपलर लॉ 830 है, 8.30 पेज नंबर 39, एक तो यहाँ पे कैपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ एरिया सेकंड लॉ, और क्या ये फालतू चीज़ है, एक तो ये कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ पाथ है ना आर, कैपलर्स चलो लिखो, इसी को लिखते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अब 8 बजे क्लास है, ना ना ये तो 6 बजे आया, 7 बजे आया, ये अरे बच्चों पढ़ो, नंबर नहीं आएगा, हैंड डालो, ग्रेविटेशनल फील्ड, आसान टॉपिक डालो हमें, ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड मतलब जो चारों, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, 10th में जैसे था मैग्नेटिक फील्ड है ना, 10th में था हमारा मैग्नेटिक फील्ड, क्या था मैग्नेटिक फील्ड था ना 10th में, स्पेस अराउंड मैग्नेट, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, जहां तक आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, अरे भाई बस क्या हो गया, तो मेहनती हो ना तुम, बहुत मेहनती हो तुम, बहुत मेहनती हो,
सबका अपना दुख है, क्या करें, सबका बहुत ज़्यादा दुख है। तो देखिए सर क्या चीज़ है, समझिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अर्थ है, ये अर्थ से आर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास एम है, जिसका मास एम है आर डिस्टेंस पे, समझना। तो इस पर एक फोर्स लगेगा एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा टुवर्ड द मास, टुवर्ड द अर्थ। पढ़ लो, ये सेम टॉपिक ट्वेल्थ में भी है, वहाँ पर यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर दो चार्ज रखा जाएगा, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे वो होती है फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, चाहो तो उसका डेफिनेशन लिख लो। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू गिवन मास, ड्यू टू गिवन मास इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज। परसों केक कटेगा भाई तो सब लोग आ जाना, विकास सर से थोड़ा सा खर्चा करवाया जाए, 1000 सब्सक्राइबर हो गए हमारे, बड़ी मशक्कत हुई आज ही हुए। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू गिवन मास, ड्यू टू गिवन मास इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ यूनिट मास, बाई अ यूनिट मास प्लेस एट दैट, प्लेस एट दैट पॉइंट, प्लेस पी एल ए प्लेस्ड, प्लेस्ड पी एल ए सी ई डी रखा हुआ, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड प्रेजेंस ऑफ यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब, डज नॉट डिस्टर्ब, डज नॉट डिस्टर्ब, डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड, द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पर जो मास लिया गया है वो उसको हम लोग टेस्ट मास भी बोलते हैं, और उसकी वैल्यू वन यूनिट ही क्यों होती है बताता हूँ। ये इतनी छोटी मास इसलिए ली जाती है कि मान लो ये जो हमारा ओरिजिनल मास है अर्थ या कोई भी ऑब्जेक्ट, इसके चारों तरफ क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके चारों तरफ क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर आपको इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड फील करनी है तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी जाएगी उसका अपना खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका भी होगा, फॉर एग्जाम्पल इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं इसको डिस्टॉर्ट करेगा, क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको एग्जैक्ट इसी ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे महसूस करनी है तो जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रखो वो यूनिट मास का रखो, क्या रखो, यूनिट मास का। जब आप यूनिट मास का रखोगे इसको टेस्ट चार्ज अगले साल बोला जाएगा, टेस्ट चार्ज, यहाँ पे टेस्ट ऑब्जेक्ट बोला जाएगा, जिसका बस ये काम है ये बताने के लिए कि इसके आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड है कि नहीं। हाँ, ये सोर्स हो जाएगा, सोर्स बॉडी हो जाएगा, और ये टेस्ट बॉडी हो जाएगा, ठीक है। तो वो कितना होता है, ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, जो कि होता है फोर्स पर यूनिट मास। अच्छा, अगर मान लेते हैं इसका कैपिटल एम मास, इसका स्मॉल एम है, तो फोर्स कितना होगा, ये होगा कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम और उनके बीच का स्क्वायर, यही होगा ना, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये रख दो यहाँ पर, इस वैल्यू क्या रख दो, स्मॉल जी, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा, तो ई का फॉर्मूला क्या जाएगा, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही आएगा, बोलो है ना, ई का फॉर्मूला ये है, नहीं ये वैल्यू यहाँ कर एफ, जो एफ की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो नीचे एम है ना, तो एम से एम कट जाएगा, तो कैपिटल एम रह जाएगा केवल, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, टेस्ट ऑब्जेक्ट, या यहाँ पे अर्थ की बात करेंगे तो मास ऑफ अर्थ, अगर आपको जानना है कि मैं इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो स्ट्रेस चार्ज को छोड़ दो,
मूव करने के लिए। ये टेस्ट चार्ज उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस तरफ इसको क्या फील होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड फील होगा, उसी पाथ में ये मूव करने लगेगा। जब ये मूव करेगा तो इसके पास उस एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, और फोर्स अपॉन मास एक और चीज़ है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कह सकते हो जो इसके पास एक्सेलरेशन होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हो सकता है हाँ? तो ये लिख लो, ये बात मैं लिखता हूँ। इफ द टेस्ट मास स्मॉल m, इफ द टेस्ट मास स्मॉल m इज फ्री टू मूव, इज फ्री टू मूव कॉमा, इट विल मूव टूवर्ड, इट विल मूव टूवर्ड द मास कैपिटल m विथ एक्सेलरेशन a, विथ एक्सेलरेशन a अंडर द फोर्स कैपिटल F, अंडर अंडर द फोर्स कैपिटल F, सो सो A इज इक्वल टू, अच्छा सो 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 फिर से बोलता हूँ मैं, विथ एक्सेलरेशन स्मॉल a अंडर द फोर्स कैपिटल F, सो A इज इक्वल टू F अपॉन m, F अपॉन m, हो गया। फिर लाइन चेंज करके a इज इक्वल टू e, लाइन चेंज करके a इज इक्वल टू e लिख लिया, a इज इक्वल टू 10। द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू फ्री एक्सेलरेटेड। इसके स्कूल में तो दो चैप्टर हो भी गया खत्म, तो तुम सोच रही हो ना कि स्कूल में अभी हुआ नहीं है, यूं खत्म करेंगे स्कूल वाले, तो भी सिलेबस तो अभी नौ चैप्टर पढ़ने हैं ना, सबको तो पढ़ने हैं नौ चैप्टर ना, अच्छा महीने तो चार ही बचे हैं हमारे पास। सेकंड बुक इजी है, छोटे छोटे चैप्टर है, यही सबसे बड़ा चैप्टर है फिलहाल के लिए। हाँ, एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू फ्री एक्सेलरेशन, फ्री एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, फ्री एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द टेस्ट मास, द टेस्ट मास वेन प्लेस, वेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। बस डायमेंशन ऑफ ई का आप बना लेना, ई का डायमेंशन बन जाएगा ना, E का डायमेंशन होता है एल टी माइनस टू जो एक्सेलरेशन का होता है। इसके बाद हैंड डाल लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगली क्लास में कराएंगे, अगली क्लास बोला मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाँ ठीक है, क्योंकि अभी लेंदी है, अभी टॉपिक कॉपी काफ़ी जाएगा, चैप्टर बड़ा है ये। इसके बाद जो रोटेशन वगैरह है वो छोटे चैप्टर, अरे जो सेकेंड बुक है वो छोटा है, तो स्कूल में तो कुछ चल, इसके बाद क्या चालू हो रहा है, बल्क प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तमाम तो आ चुका, तमाम तो बल्क प्रॉपर्टी आ चुका ना, तुम लोग का पेपर खत्म हो गया, अब हो गया, अभी भी पीछे हैं हम इसके स्कूल से। तो प्रियांश सच देवा आए थे आज, सच में नहीं पहचान पा रहा था मैं, मैं सच में नहीं पहचान, मैं कब कब का देखा, वो ऐसे मुंडी दिखा रहा है बस, मैंने कौन प्रैंक करने आ रहा है, बहुत देर से सोच रहा हूँ कौन है, नहीं पहचानते, बहुत नाइन्थ टेंथ में पढ़ाया था तब से मैं मिला भी नहीं, नहीं नहीं पुष्कर तो यही पहचान, और पुष्कर